लगता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ यार गाइस, मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरे भाई ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक किया था, लेकिन लकीली मैं जिंदा हूँ। तेरी वजह से लॉस सैंटोस का पूरा हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय हो गया। मेरी वजह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मेरे ऊपर मेरा भाई अटैक कर रहा है जिसको तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो। देख हाँ बेटी, अभी बहुत हो चुका है, तुझे हम लोग के साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन मुझे तुम लोग के साथ पुलिस स्टेशन क्यों जाना होगा, मैंने क्या किया है? हम लोग को पता है कि तूने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ तेरे भाई ने किया है, लेकिन हम लोग तेरे भाई को पकड़ नहीं पा रहे हैं और इसलिए हम लोग को तुझे अरेस्ट करना होगा। मेरे भाई को तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो तो मुझे अरेस्ट करना होगा, ये कौन सी बात कर रहे हो तुम? देख अभी मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तेरे और तेरे भाई के बीच में जो भी मसला है उसको सेटल डाउन कर दे, नहीं तो हम लोग तुझे सेटल डाउन कर देंगे। ये सब कुछ हो रहा है मेरे भाई की वजह से जिसको तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, उल्टा तुम लोग मेरे ऊपर क्यों चीख रहे हो? तेरे ऊपर चीखेंगे नहीं, तुझे हम लोग अरेस्ट करेंगे अगर दोबारा कोई भी नुकसान हुआ लॉस सैंटोस को। तो लेस्टर तुम कब आए और ये क्या बोल रहे हो ऑफिसर? हाँ मिट्टी, इसकी गलती नहीं है, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का एक ही हॉस्पिटल था, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भाई की दुश्मनी की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये कि लेस्टर तुम भी इन लोग के साथ मिले हुए हो क्या? नहीं हाँ मिट्टी, मैं यहाँ पे तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ, मेरे पास तुम्हारे भाई की लोकेशन है। लेस्टर धीरे बोलो, ये बात इन पुलिस वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन हाँ मिट्टी, प्लान कौन सा है? प्लान मैं तुम्हें बताता हूँ लेस्टर, पूरा का पूरा प्लान बताता हूँ। लेकिन ठीक है ऑफिसर, तुम अभी जा सकते हो। दोबारा अगर लॉस सैंटोस की कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी बंदा या फिर किसी भी गाड़ी के ऊपर भी अटैक हुआ ना, उसके बाद तुम बचोगे नहीं। ठीक है वो देख लेंगे, बाद में हम लोग देख लेंगे। तुम लोग को अच्छे से पता है कि ये सब कुछ किसने किया है, लेकिन फिर भी तुम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। लॉस सैंटोस की पुलिस पूरी पूरी कोशिश कर रही है तेरे भाई को पकड़ने की, लेकिन ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, जो कर रहा है उसको पकड़ो। मैंने जो तुझे बताना था वो मैंने तुझे बता दिया, अभी दोबारा लॉस सैंटोस में मुझे कोई भी मसला नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में जो भी होगा देख लूंगा मैं। अरे सर आपकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है सर, एम्बुलेंस में बैठो, मैं आपको किसी और हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। डॉक्टर एक काम करो ना कि चुपचाप तुम भी निकलो यहाँ से और लेस्टर तुम मेरे साथ चलो। लॉस सैंटोस की पुलिस अजीब ही बात मुझे बता रही है यार गाइस, इन लोग को पता भी है कि ये सब कुछ मेरा भाई कर रहा है और इन लोग के पास इतनी पावर्स नहीं है कि ये लोग मेरे भाई को अरेस्ट कर सके। उल्टा ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि अगर दोबारा कुछ भी हुआ तो फिर ये लोग मुझे अरेस्ट करेंगे। लिटरली मैं यार गाइस, मुझे तो इन लोग के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, बट अभी मुझे कोई ना कोई गाड़ी चाहिए और मुझे अच्छे से पता है कि पीछे पुलिस वाले मुझे देख रहे होंगे। लेकिन दिक्कत नहीं है यार गाइस, गाड़ी चाहिए मुझे और यही गाड़ी चाहिए। ऑलरेडी मरने के इतना करीब हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग मुझे मार के ही छोड़ेंगे। चलो उतरो, जल्दी करो, गाड़ी से उतरो, गाड़ी चाहिए मुझे तुम्हारी। पता नहीं अब ये लेस्टर किधर रह गया है, एक मिनट हो रहा है यार गाइस। इस बेचारे की टांग खराब है ना, तो चलने में इसको दिक्कत होती है, लेकिन अपनी गाड़ी को आगे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि अगर तो पुलिस ने मेरी गाड़ी देख ली उसके बाद और बड़ा मसला हो जाएगा। बैठो लेस्टर, जल्दी से बैठो गाड़ी के अंदर और बताओ कि प्लान कौन सा है। सबसे पहले तो हामिटी तुम गाड़ी को यहाँ से रिवर्स लो, नहीं तो पुलिस वाले देख लेंगे। पुलिस वालों की दिक्कत नहीं है, तुम मुझे बताओ कि प्लान कौन सा है और कौन सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हो तुम मुझे। मैं तो बोलता हूँ कि हामिटी अपने भाई से दोस्ती कर लो तुम। अपने भाई से अभी दोस्ती नहीं करूंगा लेस्टर, पहले मैंने कोशिश की थी उससे दोस्ती करने की, लेकिन उसने उल्टा मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। अभी दोस्ती वोस्ती नहीं होगी, अभी वो मरेगा। हामिटी मेरे घर तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, लेकिन मैं बोल रहा था कि तुम फिर भी एक दफा सोच लो। सोच लिया लेस्टर, सब कुछ सोच लिया, आज मेरा भाई मुझसे बचेगा नहीं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम ही ना बचो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत नहीं है, तुम मुझे बताओ कि मेरा भाई है किधर। तुम्हारा भाई हामिटी तुम्हारे घर पर है। क्या बात कर रहे हो, मेरे घर के अंदर? हाँ ना हामिटी, वो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा वेट कर रहा है। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? क्योंकि हामिटी मैंने लोकेशन को ट्रेस किया ना, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे घर पर तुम्हारा वेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये मेरे घर के अंदर है और मैं इसको पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ढूंढ रहा था, अभी ये मुझसे नहीं बचेगा। लेस्टर एक काम करो कि यहीं पे उतरो। अच्छा ठीक है मैं उतर रहा हूँ, लेकिन संभल के जाना हामिटी, काम बहुत ज्यादा रिस्की है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है लेस्टर, तुम चुपचाप घर जाओ और किसी को बताना मत। ठीक है मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो फिर उसके बाद वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पुलिस को जब पता चलेगा तब की तब देखेंगे लेस्टर, अभी तुम जा सकते हो। हामिटी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोबारा मिलें। मिलेंगे लेस्टर, हम लोग दोबारा मिलेंगे, और दोबारा क्या, सुबह को आके मैं तुमसे वापस मिलूंगा, बट अभी मुझे जाना है अपने भाई के पास और ये मेरे घर के अंदर है। मगर दिक्कत ये है ना कि मेरे पास अभी कोई भी वेपन नहीं है यार गाइस, मैं तो हॉस्पिटल से बाहर निकला हूँ, इसलिए अभी मुझे जल्दी से वेपन्स परचेज करने होंगे, लेकिन वेपन यहाँ से नहीं मिलेंगे। मुझे एक लोकेशन पता है और वो यहीं पे पास में आएगी, जल्दी से वेपन्स पकड़ता हूँ, उसके बाद जाता हूँ अपने घर। मेरे घर के अंदर मेरा भाई बैठा हुआ है और मुझे पता ही नहीं है यार गाइस, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कौन दे रहा है? लेस्टर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इन्फॉर्मेशन तो लेस्टर के पास सारी की सारी होती है, मगर आज ये मेरा भाई मुझसे बचेगा नहीं।
यार गाइस, बहुत ज्यादा तंग करके रखा है इसने मुझे। और ये किधर गया एमुनेशन स्टोर, क्या कर रहे हो? गाड़ी भी नहीं चलाने आती है इनको। और फाइनली यार गाइस, एमुनेशन स्टोर के बाहर मैं आ गया हूँ। अभी फटाफट से जाके अंदर बढ़िया से वेपन्स परचेस करता हूँ। अरे मेरे दोस्त, दोबारा आ गए क्या तुम? हाँ मैं दोबारा आ गया हूँ। और ये पिस्टल्स वगैरह मुझे नहीं चाहिए, कोई बड़ी सी गन। हाँ एक तो ये मशीन गन दे दो मुझे, उसके बाद इसकी फिनिशिंग। ये यार गाइस, ये गोल्ड की गन चाहिए मुझे और ये एक ही चाहिए बस। लिटरली मैं यार गाइस, ये एक गन मेरे ख्याल से मेरे लिए काफी रहेगी। साथ में एमुनिशन कौन सा होना चाहिए, एक मिनट, ये बड़ा वाला बॉक्स ये भी ठीक है। और ये बड़ा वाला बॉक्स परचेस करेंगे। सर और कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं और कुछ भी नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया यार गाइस। आज ये मुझसे बचेगा नहीं, गन मैंने परचेस कर ली और काफी ज्यादा खतरनाक गन है। यहाँ पे निशाना मार के देखता हूँ इसकी रेंज कितनी है। मेरे ख्याल से तो इसकी रेंज काफी ज्यादा होगी, बट नहीं यार गाइस, ज्यादा रेंज नहीं है इसकी। क्योंकि अगर तो इसकी रेंज ज्यादा होती तो ये बंदा अब तक मर चुका होता ना यार गाइस। इसकी रेंज ज्यादा नहीं है। एक काम करता हूँ कि ट्रैफिक लाइट को हिट करके देखता हूँ, एक मिनट। हाँ यार गाइस, रेंज इसकी है ज्यादा, लेकिन वो क्या है ना कि मैं भी अभी टारगेट को ज्यादा दूर का चूज कर रहा हूँ। अगर हम लोग इसको क्लोज रेंज में देखें, जैसे कि ये वाली रेंज, उसके बाद पता चल जाएगा यार गाइस। गन तो काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी तो गोलियां भी खत्म नहीं हो रही है यार गाइस। जितनी गोलियां चलाऊंगा उतनी चलेंगी, क्योंकि इसकी मैगजीन में डलती है पूरी की पूरी 100 गोलियां। लिटरली में यार गाइस, एम्युनिशन की दिक्कत हम लोग को नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी तक देखो इसकी गोलियां खत्म ही नहीं हो रही है। लिटरली में यार गाइस, ये चीज कुछ ज्यादा ही ओपी है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ कि ये ट्रक अभी तक ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहा है यार गाइस। गाड़ी को शूट करके देखते हैं। इतनी गोलियां अगर मैं किसी चीज को मारूं तो फिर भाई साहब गाड़ी तो ब्लास्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि ये वाला वेपन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पर भी टेस्ट करके देख लूँ। लेट्स गो यार गाइस, गोलियां तो इसके अंदर अभी तक खत्म ही नहीं हो रही हैं और मैंने अभी तक रीलोड भी नहीं किया है। लिटरली में यार गाइस, चीज तो ये काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन कुछ कुछ गाड़ियां हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि ये वाली गाड़ी। पीछे वाली गाड़ी तो अब तक फट चुकी थी, लेकिन ये नहीं ब्लास्ट हो रही यार गाइस। लगता है कि ये कुछ ज्यादा स्ट्रांग है। और एक मिनट, इसको ब्लास्ट करके देखते हैं कि लाइट्स वगैरह तो उसकी एक सेकंड में टूटती जा रही हैं। उसके बाद इसके मिरर्स भी सारे के सारे टूट रहे हैं, ये वाली विंडोज भी टूट रही हैं, लेकिन गाड़ी ब्लास्ट नहीं हो रही है ना यार गाइस। गन मुझे ऐसी चाहिए जो कि गाड़ी को ब्लास्ट कर दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज मेरा भाई बचे नहीं। और ये वाली गाड़ी लिटरली में ब्लास्ट नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो इसको ब्लास्ट होना चाहिए ना, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हो रही। गई फाइनली यार गाइस, गाड़ी ब्लास्ट हो गई है और लगता है कि मुझे सही जगह पे गोली मारनी होगी। ये वाली गाड़ी भी गई। इसका मतलब ये है कि वेपन ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है, बस नॉर्मल ही है। और अभी निकलते हैं यहाँ से, जाते जाते गैस स्टेशन को भी फोड़ ही देते हैं यार गाइस, क्योंकि लॉस सैंटोस की पुलिस ने मुझसे काफी ज्यादा अजीब सी बात की है। उन लोग को पता भी है कि ये सब कुछ मेरा भाई कर रहा है, तो फिर भी ये लोग मुझे बोल रहे थे। लिटरली मैं यार गाइस, ये लोग बोल रहे थे कि अगर दोबारा कुछ भी हुआ तो फिर ये लोग मुझे अरेस्ट करेंगे। अभी देखता हूँ कि ये लोग मुझे कैसे अरेस्ट करते हैं यार गाइस। आज ये मेरा भाई तो मुझसे नहीं बचेगा। जल्दी से टर्बो निकाल के जाता हूँ अपने घर, मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। एक दफा बस ये मेरे हाथ लग गया ना, उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यार गाइस ये बचेगा नहीं। और वैसे भी लेस्टर ने मुझे काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है यार गाइस। मुझे इसने बता दिया कि मेरा भाई मेरे घर के अंदर है, और अब अगर मुझे ये सब कुछ पता चल गया तो फिर ये बचेगा तो नहीं, मेरे घर के अंदर बैठ के मेरा वेट कर रहा है। और इसको लगता है कि मैं डर के भाग जाऊंगा, बट नहीं यार गाइस, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अभी मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड पे ऊपर जाना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेट्स गो यार गाइस, रास्ता तो दिख गया है और हम लोग की गाड़ी भी आ गई है फाइनली ऊपर। यहाँ से मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, हल्का सा टर्बो यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ से लेफ्ट होना है। जल्दी जल्दी जल्दी, ये रहा यार गाइस, यहाँ से हम लोग ने लेफ्ट होना है और फिर हम लोग पहुंचेंगे अपने घर। लेकिन एक मिनट भाई साहब, रास्ता थोड़ा सा खराब हो गया है, लगता है कि जल्दी जल्दी में रास्ता भी याद नहीं आ रहा, लेकिन पहुंच जाएंगे हम लोग अपने घर जल्दी से पहुंच जाएंगे। और यहाँ से एक शॉर्टकट मुझे पता तो है, मगर दिक्कत ये है ना कि शॉर्टकट के लिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना होगा। एक मिनट, लेट्स गो यार गाइस, यही मैं चाह रहा था। और भाई साहब कुछ ज्यादा ही चोट लग गई, पता नहीं मेरी गाड़ी बिल्कुल सही जगह पर है। जल्दी जल्दी जल्दी, इससे पहले कि मेरा भाई निकल जाए मुझे उसको रोकना होगा। और अभी कोई ऐसा वैसा रोकना नहीं है मुझे यार गाइस, मुझे उसको हमेशा हमेशा के लिए रोकना है। लेकिन मेरा घर तो आएगा दूसरी साइड पर। एक मिनट भाई साहब, ये गाड़ी है या फिर क्या चीज है? मुझे लगा था कि अच्छी नहीं है, बट लिटरली में यार गाइस, ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही ओपी है। बट मुझे अभी इसको जल्दी से नीचे लेके जाना होगा। भाई साहब बिल्डिंग के ऊपर टक्कर हो गई, लेकिन गाड़ी हम लोग की सेफ है।
इसका मतलब ये है कि हम लोग सेफली अपने घर पहुंच जाएंगे। मगर ये पुलिस वाले अपने भाई साहब, अगर तो इन लोगों ने मुझे देख लिया फिर तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं सेफ हूँ, मुझे किसी ने भी देखा नहीं है और हम लोग ऑलमोस्ट अपने घर के पास पहुँच गए हैं। अभी कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेंगे। ये क्या कर रहा है यार गाइस, गाड़ी वाड़ी इन लोग को बिल्कुल भी चलाने नहीं आती है। लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट जाना है और फिर यहाँ से हम लोग लेफ्ट होंगे, उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग सीधा अपने घर। अभी बहुत हो चुका है यार गाइस, यहाँ से एक लेफ्ट और लेना है, उसके बाद ऊपर वाली स्ट्रीट पे आएगा अपना घर और अपने घर के अंदर मेरा भाई मेरा वेट कर रहा है मुझे मारने के लिए। लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि आज उसकी मौत खुद उसके पास चल के आ रही है। लेट्स गो यार गाइस, यहाँ से एक यू टर्न मारेंगे और फिर ये रहा, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। लेट्स गो यार गाइस, मेरी गाड़ी और मोटर बाइक भी इधर ही है, लेकिन इस ब्लैक वाली गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं। जल्दी से अपना वेपन भी निकालता हूँ। लेट्स गो यार गाइस, वेपन मेरा बिल्कुल रेडी है, अभी एक दफा शूट करूंगा और बस यार गाइस मेरा वेपन रेडी है। मानना पड़ेगा यार गाइस, वेपन कुछ ज्यादा ही ओपी है, लेकिन अभी टाइम आ चुका है अंदर जाने का और मैं भी देखता हूँ कि ये मुझसे बचता किस तरह है। किधर, एक दफा बस मुझे दिख जाइए, लगता है कि इधर होगा। हाँ भाई, किधर हो तुम? तुम्हें ढूंढने के लिए आ चुका हूँ मैं, बल्कि नहीं ढूंढने के लिए नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए आ चुका हूँ और आज तुम मुझसे बच के जिंदा वापस जाओगे नहीं। कहाँ पे छुपा हुआ है? टेबल के नीचे है क्या? बट नहीं यार गाइस, टेबल के नीचे तो नहीं है, उसके बाद सोफे के पास भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर ये गया तो गया किधर? लेस्टर ने मुझे बताया था कि मेरा भाई मेरे घर के अंदर मेरा वेट कर रहा है, तो फिर ये यहाँ कहीं पे मुझे दिख क्यों नहीं रहा? एक मिनट, यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर ये है किधर? अच्छा मैं समझ गया यार गाइस, मुझे लगता है कि मेरे बेडरूम के अंदर सो रहा होगा। अभी मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए सुलाता हूँ। लेट्स गो यार गाइस, हम लोग को जल्दी से यहाँ से नीचे जाना होगा, उसके बाद चलते हैं अपने बेडरूम के अंदर। मुझे पता है कि ये इधर होगा, बट नहीं यार गाइस, इधर भी नहीं है, तो फिर ये गया तो गया किधर? यहाँ पर भी नहीं है। अब तक तो मुझे मिल जाना चाहिए था यार गाइस, लेकिन मेरे घर के अंदर तो है ही नहीं। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, मुझे लगता है कि इधर होगा, बट नहीं यार गाइस, इधर भी नहीं है, तो फिर ये है किधर? किधर गया? किधर गया आज यार गाइस? ये मुझसे बचेगा नहीं, इतना तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। थोड़ा सा और आगे जाके चेक करते हैं, ये साइड मैंने चेक नहीं की और यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर ये गया किधर? थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ यार गाइस, मिल जाएगा, मुझे पता है कि इधर ही होगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ कहीं पे वो दिख नहीं रहा है। जल्दी से थोड़ा सा अंदर जाता हूँ और मुझे लगता है कि है तो वो इधर ही। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे वो छुपा हुआ होगा। हाँ यार गाइस, घर तो मेरा ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मेरा भाई यहाँ कहीं पे छुपा हुआ है। थोड़ा सा आगे जाके चेक करता हूँ, यहाँ कहीं पे तो दिख नहीं रहा। और एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, मेरे घर की लाइट कैसे चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है यार गाइस, मैंने तो बिल भी पे किया था, तो फिर ये लाइट कैसे चली गई एकदम से? मुझे लगता है कि ये मेरे भाई का प्लान है। देखो, तुम जहाँ कहीं पे हो तुम मुझसे बचोगे नहीं, और अगर एक दफा तुम मुझे दिख गए ना, उसके बाद मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। अभी तो यहाँ कहीं पे मुझे नहीं दिख रहा है यार गाइस, लगता है कि नीचे वाली साइड पर होगा। मगर एक मिनट भाई साहब, कुछ भी नहीं दिख रहा है लिटरली में यार गाइस, कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे खड़ा होता हूँ और टॉर्च देखता हूँ, यहाँ कहीं पे टॉर्च रखी थी मैंने, लेकिन अभी इतने अंधेरे में पता नहीं मिलेगी यहाँ फिर नहीं। एक काम करता हूँ ना कि स्टेयर से नीचे नहीं जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए बाहर वाली साइड से नीचे, होगा तो ये इधर ही, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि यार गाइस मेरे घर की लाइट ऐसे तो नहीं जा सकती है। अब अगर लाइट गई है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इधर ही है। हाँ यार गाइस, ये है तो इधर ही, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। देखो, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो फिर तुम मेरे सामने आओ ना, उसके बाद हम लोग फाइट करेंगे। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ कहीं पे छुप के मुझे देखने की कोशिश कर रहे हो, और पीछे से वार करने की आदत तुम्हारी अभी तक गई नहीं है। अगर हिम्मत है तो आ जाओ बाहर, मैं भी देखता हूँ कि कितने पावरफुल हो तुम। अगर एक मिनट, ये मेरे घर की बेल क्यों बज रही है? लगता है कि मेरे घर के बाहर, बल्कि नहीं यार गाइस, घर के बाहर कैसे आ सकते हैं और घर की बेल क्यों बज रही है? जाके चेक करता हूँ, पता नहीं अभी इस टाइम कौन आ गया मेरे घर। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि बाहर सेंटन और चॉप हो गया यार गाइस, या फिर ट्रेवर भी हो सकता है, लेकिन जो भी है मुझे बाहर जाके चेक करना होगा। एक मिनट, ये
पुलिस वाले तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? चल बेटा अमेठी, तुझे जाना होगा अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन, क्योंकि अभी बहुत हो चुका है। क्या मतलब बहुत हो चुका है? मैंने क्या किया है? सबसे पहले ये ब्लैक वाली गाड़ी किसकी है? ये ब्लैक वाली गाड़ी मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट की है। अच्छा, तुझे तेरे दोस्त ने गिफ्ट की है? हॉस्पिटल के बाहर से तूने ये वाली गाड़ी चोरी की है। अच्छा ठीक है, चोरी की है तो ले जाओ, वापस ले जाओ तुम लोग। उसके बाद एम्युनिशन स्टोर के साथ जो गैस स्टेशन के अंदर ब्लास्ट हुआ वो किसने किया? वो मुझे नहीं पता किसने किया, उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। और वो जो उसके साथ में गाड़ियां और वो बड़ा ट्रक ब्लास्ट हुआ था वो किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया, अभी लॉस सैंटोस में जो भी होगा तुम लोग मेरे पास आ जाओगे क्या? मुझे पहले ही पता था कि तू ऐसा ही बोलेगा, लेकिन तेरे गैरेज के अंदर क्या चीज है? मेरे गैरेज के अंदर कोई भी चीज नहीं है, गाड़ी होगी मेरी। एक मिनट, ये क्या चीज है? ये तू बताना कि क्या चीज है। अबे नहीं 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 नहीं, ये तो डेड बॉडीज हैं, ये लोग जिंदा हैं या फिर मर गए? अपने भाई से बदला लेने के चक्कर में तूने इन सबको ही टपका दिया। नहीं नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैंने इनमें से किसी को कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, किसी को कुछ भी नहीं किया, ये किसका घर है? घर तो ये मेरा ही है। और ये गैरेज किसका है? ये गैरेज भी मेरा ही है। तो फिर इसका मतलब ये है ना कि सब कुछ तूने किया है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। अबे लाइट नीचे कर पागल कहीं के। अच्छा ठीक है, लाइट नीचे कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। और मैं तो इन लोग को जानता भी नहीं हूँ, ये लोग हैं कौन? पता नहीं यार गाइस, ये सब कुछ कौन कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लेस्टर ने बोला था कि मेरा भाई मेरे घर पर है, और मेरे घर पर मेरा भाई तो था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा ट्रैप है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऑफिसर, ये पूरा का पूरा ट्रैप है। चल जरा पुलिस स्टेशन, उसके बाद मैं तुझसे पूछता हूँ कि ये ट्रैप है या फिर क्या चीज है। नहीं चलूंगा मैं तुम लोग के साथ कहीं पे भी, मैंने ये कुछ भी नहीं किया है, और मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरे भाई ने किया है। पुलिस स्टेशन तो तुझे चलना ही पड़ेगा। ये कहाँ पे लाके इन लोग ने मुझे बंद कर दिया यार गाइस, इन लोग ने बोला कि यहाँ पे मुझे बाहर ही रात गुजारनी होगी लिटरली में यार गाइस। बाकी तो सारे के सारे प्रिजनर्स अपने सेल के अंदर हैं, लेकिन मुझे इन लोग ने बोला कि जगह नहीं है और मुझे यहीं पे रात गुजारनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है यार गाइस, काफी ज्यादा सर्दी भी लग रही है, क्या करूं क्या करूं, ऐसे कैसे रात गुजारूंगा यार गाइस। अगर यहाँ पे रहा तो मर जाऊंगा लिटरली में यार गाइस, अगर यहाँ पे रहा तो मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन इस वाली लाइट के नीचे भी नहीं सो सकता हूँ, मुझे सोने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। ऑफिसर कोई जगह है क्या? कोई भी जगह नहीं है तेरे लिए, चुपचाप यहीं पे खड़ा रहे। ऐसे कैसे खड़ा रहूं, यहाँ पे खड़ा रहा तो फ्रीज हो जाऊंगा लिटरली में यार गाइस। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सब कुछ लेस्टर ने किया है। हाँ यार गाइस, ये सब कुछ लेस्टर ने किया है, क्योंकि लेस्टर ने मुझे बोला था कि मेरा भाई मेरे घर के अंदर है, और जब मैं अपने घर के अंदर गया तो फिर उसके बाद इन सब लोग ने आके मुझे अरेस्ट कर लिया। तो फिर झूठा कौन हुआ यार गाइस? लेस्टर ने झूठ बोला है ना मुझसे। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कुछ लेस्टर ने किया है, और ये मुझसे बचेगा नहीं लिटरली में यार गाइस। पहले माइकल ने मुझे धोखा दिया था और वो तो मर गया, बट अब की बारी मुझे धोखा दिया है लेस्टर ने, इसका मतलब ये है कि लेस्टर भी नहीं बचेगा। लेकिन अब मैं रात कहाँ पे गुजारूं, इसके ऊपर कैसे सोऊंगा यार गाइस? ये बेंच काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सो जाऊं, क्योंकि यहाँ पे जमीन में मट्टी है और ये सरफेस ज्यादा हार्ड नहीं है, तो मुझे रात यहीं पे लेट के गुजारनी होगी यार गाइस। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और आज चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरा भाई मुझसे नहीं बचेगा। चल बे जल्दी कर उठ जा, लगता है कि सुबह हो गई है। हाँ बोलो ऑफिसर, क्या दिक्कत है? तुझसे मिलने के लिए आया कोई, चल निकल बाहर। क्या मतलब मैं बाहर जा सकता हूँ क्या? मैंने बोला तुझसे कोई मिलने के लिए आया, बाहर चल। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा है? सुबह के 6 बज रहे हैं। फाइनली यार गाइस, रात तो किसी तरीके से गुजर गई, लेकिन अब क्या करूंगा मैं? मुझसे मिलने के लिए कोई आया है, लगता है कि मेरा भाई मुझसे मिलने आया होगा। और ये देखो, मुझे पहले ही पता था कि जेल के अंदर इसके बंदे हैं, और ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। भागो भाई साहब, निकलो यहाँ से, अभी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और जाके देखता हूँ कि कौन आया है मुझसे मिलने के लिए। अमेठी, जो हुआ उसको भूल जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझे अच्छे से पता है लेस्टर, तुमने मुझे अरेस्ट करवाया ना। अमेठी, वो अरेस्ट तो मैंने करवाया है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे भाई के कहने पे किया है मैंने। मेरे भाई के कहने पे तुमने मुझे अरेस्ट करवा लिया लेस्टर? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था क्या? तुम मेरे दोस्त थे नहीं, तुम मेरे दोस्त हो अमेठी, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी वजह से मैं प्रिजन के अंदर बंद हो गया हूँ लेस्टर, अभी मुझे यहाँ से निकालेगा कौन? मैं निकालू
निकालूंगा अमिटी, मैं कुछ भी करके निकालूंगा तुम्हें यहाँ से। कैसे निकालोगे लेस्टर, इतना बड़ा प्रिजन है, किस तरह निकलूंगा यहाँ से मैं? वैसे पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जब तक ये लोग मेरे भाई को अरेस्ट नहीं कर लेते तब तक मुझे इस वाले प्रिजन के अंदर ही रहना होगा। और तुम्हारे भाई को तो ये लोग 100 साल में भी पकड़ नहीं पाएंगे। ये मुझे अच्छे से पता है लेस्टर, बाहर निकालने का प्लान बताओ। तुम एक काम करोगे अमिटी, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं ना, मैं तुम्हें 10 बजे आ रहा हूँ लेने के लिए। 10 बजे लेने के लिए आ रहा हूँ क्या मतलब? इसी जगह पर आऊंगा लेकिन हेलीकॉप्टर लेकर आऊंगा। हेलीकॉप्टर इस जगह पे कैसे आओगे? अरे वो मेरा काम है अमिटी, मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर को लैंड करूंगा, उसके बाद तुम हेलीकॉप्टर पर बैठ जाना और हम लोग निकल जाएंगे। लेस्टर इतनी गोलियां मारेंगे ना ये प्रिजन वाले कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि हम लोग के साथ क्या होगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है अमिटी, मैं बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर मिलिट्री का लेकर आऊंगा, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। अगर तुमने मुझे यहाँ से छुड़वाना था तो फिर तुमने मुझे अरेस्ट क्यों करवाया? क्योंकि मैं तुम्हारे भाई की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर देना। अच्छा ठीक है, लेकर आओ। अगर तो तुमने मुझे यहाँ से निकलवा दिया फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर ये भी तुम्हारी कोई ना कोई चाल हुई ना लेस्टर, उसके बाद बता रहा हूँ कि छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ठीक है मैं बस आ जाऊंगा अमिटी, 10 बजे पहुंचूंगा, 10 बजे। ठीक है मैं वेट करता हूँ, 10 बजे का भी वेट करता हूँ, देखता हूँ कि उसके बाद तुम यहाँ पे कैसे आते हो। लेकिन एक बात सुनो मेरी, ये जो पूरी की पूरी जगह है ना, यहाँ पे मैं ऐसे आ नहीं सकता हूँ। अरे यहाँ तक तुम्हें किसी तरीके से आना होगा ना अमिटी। यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ ना लेस्टर मैं। वो देखो वो पीछे दरवाजा है तो सही। हाँ ये दरवाजा वैसे तो लॉक किया होगा ना इसने अभी, नहीं भाई साहब दरवाजा खुला हुआ है और उसके बाद ये वाला दरवाजा भी खुला है। ठीक है लेस्टर, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं यहाँ तक आ जाऊंगा। ठीक है तो फिर अमिटी तुम यहाँ पे आओगे, उसके बाद हम लोग एस्केप करेंगे। लेकिन किसी तरीके से ये वाला बड़ा दरवाजा नहीं खुल सकता क्या? अरे ये नहीं खुल सकता। अच्छा ठीक है, ये खुल जाता तो फिर हम लोग बाहर निकल जाते। इतना भी नहीं अमिटी, ये खुल नहीं सकता और ये जो दरवाजे ना ये भी थोड़ी देर में लॉक हो जाएंगे, इसलिए तुम मेरी बात कान खोल के सुनो अमिटी, 10 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। ठीक है लेस्टर, तुम हेलीकॉप्टर लेकर आओ, बाकी मेरा काम है यार गाइस, यहाँ तक तो मैं आ ही जाऊंगा, बट अभी मुझे जल्दी से अंदर जाना है ताकि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो। मगर एक मिनट, ये रास्ता जा किधर रहा है, कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार गाइस, ये प्रिजन है, बल्कि नहीं ये प्रिजन नहीं है यार गाइस, प्रिजन तो वहां पर है ना, मैं बाहर निकल गया हूँ क्या? मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मैं बाहर निकल गया हूँ। हाँ यार गाइस, मैं बाहर निकल गया हूँ, अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला हूँ, लेकिन ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, टावर के ऊपर भी कोई नहीं है। थोड़ा सा आगे जाके यहीं पे खड़े होकर लेस्टर का वेट करूंगा, क्योंकि अगर तो मैं अंदर चला गया ना उसके बाद यहाँ पर आना इम्पॉसिबल है लिटरली। मैं यार गाइस यहाँ तक मैं नहीं आ पाऊंगा और अभी यही जगह है, चुपचाप यहाँ पे लेट जाता हूँ ताकि किसी को पता भी ना चले। यार गाइस ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, अभी 10 बजे तक का हम लोग यहीं पे वेट करेंगे, उसके बाद मैं यहीं से एस्केप करूंगा। पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है और 3-4 घंटे तो हो गए हैं, लगता है कि लेस्टर आ गया है, भागो भागो यार गाइस, वो सामने मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, लेकिन गोलियां आ रही हैं, मुझे पता नहीं कहां से गोलियां आ रही हैं, लेकिन मुझे गोलियां लग रही हैं, जल्दी से निकलना होगा। लेस्टर बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर। अमिटी तुम जल्दी करो, बस निकलना होगा हम लोग को यहां से। ठीक है मैं निकल रहा हूं, मेरे पास कोई वेपन नहीं है। ये लो ये पकड़ो, आरपीजी चाहिए क्या? नहीं आरपीजी नहीं चाहिए, तुम जल्दी से बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेस्टर जल्दी करो, बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर। किस बात का वेट कर रहे हो? आ रहा हूं अमिटी, मैं हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ रहा हूं, लेकिन ये जल्दी से निकालो इसको यहाँ से। निकालता हूँ लेस्टर, लेट्स गो यार गाइस, प्रिजन एस्केप हम लोगों ने कर लिया है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ लेस्टर, ये जो हेलीकॉप्टर है ये बॉम्ब प्रूफ है ना? ये तो बॉम्ब प्रूफ है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे कैसे डर लग रहा है? एक मिनट, हेलीकॉप्टर के अंदर भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा भाई नहीं यहाँ पे तो नहीं है, और लेस्टर बैठा हुआ है बैक साइड पर। ये देखो यार गाइस किस तरह बैठा हुआ है लेस्टर, यहाँ पे पुलिस वाले घूम रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अमिटी निकालो जल्दी हेलीकॉप्टर को निकालो, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं लेस्टर, एक मिनट, ये लोग बचेंगे नहीं, इन लोग को लगता है कि ये लोग बहुत स्ट्रांग है ना लेस्टर, ये पुलिस वालों से मेरा अलग ही पंगा चल रहा है। वो तो मुझे पता है, इन लोग ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया ना, और अभी इसी तरह मैं इसका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करूंगा। पुलिस का हेलीकॉप्टर है, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्या चीज होती है। मैं तो बोलता हूं कि चुपचाप एस्केप करते हैं ना। वो तो कर लेंगे लेस्टर, लेकिन मुझे इस वाले हेलीकॉप्टर को भी तो ब्लास्ट करना है ना। अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं ये लोग, गोलियां मार रहे हैं मुझे और गया भाई साहब। अभी एक मिनट, हम लोग का हेलीकॉप्टर गया नीचे और उसका हेलीकॉप्टर भी तो गिरा होगा। अभी भाई साहब इसका हेलीकॉप्टर बिल्कुल ठीक है, मुझे इनको नीचे गिराना है यार गाइस। वो धुएं निकल रहे हैं इसके अंदर से, ये जाएगा, ये हेलीकॉप्टर बचेगा नहीं। लेट्स गो यार गाइस, इस एक को ब्लास्ट करूंगा, और वो भी कैसे ब्लास्ट करूंगा? टक्कर मार के ब्लास्ट करूंगा यार गाइस, ये मुझसे नहीं बचेगा। मेरा हेलीकॉप्टर तो बॉम्ब प्रूफ है, लेकिन इसका हेलीकॉप्टर बॉम्ब प्रूफ नहीं है।
एक और टक्कर मारूंगा इसको मैं तो बोलता हूँ कि अमेठी छोड़ो, क्यों टक्कर मारोगे इसको? इसको टक्कर मारूंगा ना लेस्टर, ये तुम्हें पता नहीं है कि ये लोग हैं क्या चीज। अभी जल्दी से मुझे इसके हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करना होगा यार गाइस, ये बचेगा तो नहीं। अपने आप को ये लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना। एक मिनट लेस्टर, ये हेलीकॉप्टर है या फिर क्या चीज है? अमेठी इतना खतरनाक हेलीकॉप्टर लेकर आया और क्या करूँ? हाँ ठीक है, अच्छा है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर वेपन्स क्यों नहीं है लेस्टर? अभी वेपन्स नहीं है ना अमेठी, बॉम्ब प्रूफ चीज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। बॉम्ब प्रूफ चीज तो तुम लेकर आए हो लेकिन एक मिनट, ये हेलीकॉप्टर भी तो ब्लास्ट करना है ना मैंने। एक तो पुलिस का हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करके रहूंगा यार गाइस, उसके बाद मुझे चैन आएगा। लिटरली मैं ये गया यार गाइस, एक हेलीकॉप्टर हम लोगों ने ब्लास्ट कर दिया है। अभी इन लोग को पता चलेगा कि किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। अभी ये भी आएगा क्या? एक मिनट, एक तो मैंने ब्लास्ट कर दिया है और अभी लगता है कि इसका भी मरने का दिल कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि निकलते हैं अभी चुपचाप, हमेठी निकलना होगा यहाँ से। निकलेंगे लेस्टर, आराम से निकलेंगे यहाँ से, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है हम लोग को। लेकिन पहले मैं इस हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त तो कर लूँ। तुम्हारे पास आरपीजी है ना? हाँ आरपीजी है मेरे पास। ठीक है, काम करो कि जल्दी से मुझे अपना आरपीजी दो। मैं बता रहा हूँ अमेठी, ये अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा डिसीजन कोई नहीं है, लेकिन लेस्टर ये बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन है। किधर गया ये हेलीकॉप्टर? भाग क्यों गया मुझे देख के? लगता है कि डर गया यार गाइस। हाँ हेलीकॉप्टर देख के मुझे डर गया है। एक मिनट, ये तो काफी ज्यादा दूर है और यहाँ पे आरपीजी तो जाएगा नहीं। इतना तो मुझे पता है कि आरपीजी की इतनी रेंज ही नहीं है, तो ये अभी तो सेफ है। लेकिन अगर हिम्मत है इसके अंदर तो फिर जरा नीचे आके दिखाए ना, उसके बाद मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। गायब हो गया। अभी अमेठी निकलना होगा हम लोग को, पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पे। पुलिस वाले आ रहे हैं तो इनको आने दो ना लेस्टर, मेरे पास आरपीजी है और थोड़ा सा तो बदला लूंगा ना मैं इन लोग से। मैं तो बोलता हूँ कि निकलते हैं अमेठी, ने तो फजूल में मारे जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा लेस्टर, हम लोग को कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारे पास कोई और गन है क्या? सब कुछ है मेरे पास लेकिन अभी कुछ भी नहीं दूंगा अमेठी, निकलते हैं यहाँ से। एक मिनट लेस्टर, ये गोलियां कौन मार रहा है? निकलो बैठो, जल्दी से बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर यार गाइस, पता नहीं कहां से गोलियां आ रही हैं। और ये रहे बिल्कुल मेरे पीछे, ये सारे के सारे छुप के बैठे हुए हैं और इन लोग को लगता है कि ये लोग मुझे मार देंगे। ऐसे कैसे मारेंगे यार गाइस, हेलीकॉप्टर है मेरे पास। और ये हेलीकॉप्टर कौन लेकर आया है? लेस्टर लेकर आया है। लेट्स गो, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, उसके बाद इसी तरह मारूंगा इन लोग को यार गाइस, इसी तरह मारूंगा हेलीकॉप्टर के विंग्स मारूंगा इनको मैं, उसके बाद ये लोग बचेंगे नहीं। एक मिनट, एक ये नीचे है ना, गया यार गाइस, कट गया है लिटरली, मैं ये तो कट गया। अभी और किसको काटूं? हेलीकॉप्टर से मारेंगे इन लोग को यार गाइस, उसके बाद इन लोग को पता चलेगा कि इन लोग ने किससे पंगा लिया। नीचे एक और आ गया है और ये भी गया हेलीकॉप्टर से, ये भी कट गया यार गाइस, अभी कौन रह गया है? एक मिनट, लगता है कि इन लोग को ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। अभी लेस्टर ये देखना, ये सब के सब लोग यहाँ पे कट जाएंगे लिटरली में यार गाइस, ये भी गया। और एक मिनट लेस्टर, वैसे हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा ओपी है, एक तो कट के बाहर चला गया बंदा। अभी मुझे इसको भी काटना होगा, ये भी कट गया यार गाइस, सब लोग मर गए। लेस्टर हेलीकॉप्टर सीधा नहीं हो रहा, ये मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि अभी निकलना होगा हम लोग को। ठीक है लेस्टर, अभी हम लोग निकलते हैं, लेट्स गो। हेलीकॉप्टर पानी में जा रहा है लेस्टर, पानी से बाहर निकालो और जल्दी इसको फ्लाई करो। ठीक है, हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं हो रहा, लगता है कि पानी चला गया इसके अंदर। अरे ये अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा प्लान खराब हो गया लेस्टर। तुम्हें मैंने बोला भी था कि अमेठी इनसे पंगा मत लो, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। अभी ये काम करो कि उतरो, जल्दी से उतरो यहाँ से। आरपीजी है हम लोग के पास और थोड़े से वेपन्स भी हैं। जिस तरह तुमने पुलिस वालों को काटा था ना अमेठी, अभी ये हम लोग को काटेंगे। ऐसे कैसे काटेंगे लेस्टर, तुम पता नहीं क्यों इतना ज्यादा डरते हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तुम एक काम करो ना कि लेस्टर पत्थर के पीछे जाके छुप जाओ, मैं तब तक थोड़ा सा बंदोबस्त करके आता हूँ। एक मिनट, ये हेलीकॉप्टर किधर गया? ये रहा, ये तो निकल गया रेंज से बाहर चला गया है, लेकिन ये ऊपर वाला इधर ही है। एक तो ब्लास्ट कर दिया मैंने हेलीकॉप्टर, अभी इसको भी ब्लास्ट करूंगा। लेट्स गो यार गाइस, ये दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर्स ब्लास्ट हो गए हैं। अभी मुझे थोड़ा सा आगे जाना है। लेस्टर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, हम लोग के पास गाड़ी भी नहीं है और तुम बोल रहे हो कि आ जाओ। एक काम करते ना कि लेस्टर पानी के अंदर चलते हैं। हाँ वैसे ये अच्छा प्लान है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पानी के अंदर तो हम लोग को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। मुझे पता है कि लॉस सैंटोस की पुलिस इतनी स्मार्ट तो है नहीं कि वो लोग हम लोग को पानी के अंदर ढूंढेगी। अभी नीचे ही रहूंगा जब तक ये 4-स्टार पुलिस खत्म नहीं होती है ना, मुझे नीचे ही रहना होगा। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलूंगा काम हो जाएगा हम लोग का।
लेस्टर तुम हो किधर? आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं अब ये लेस्टर किधर है। मेरे ख्याल से पत्थर के पीछे छुपा हुआ होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और पानी के अंदर तो पुलिस मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी। मैं काफी ज्यादा आगे आ गया हूँ, लेकिन मेरा स्टेमिना भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वैसे तो मेरा स्टेमिना बहुत ज्यादा है, मैं पानी के अंदर 1-2 मिनट तक रह सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा टाइम नहीं रह सकता है यार गाइस। थोड़ा सा सांस लेना होगा, और सांस लेने के लिए मुझे ऊपर जाना है। बट अभी अगर मैं ऊपर गया ना, तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, ये पुलिस वाले मुझे देख लेंगे। ज्यादा नीचे भी जाना सेफ नहीं है, नहीं तो सांस नहीं आएगा यार गाइस। अभी ऊपर जाना है, मेरा स्टेमिना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अभी टाइम आ गया ऊपर निकलने का। और ये 4 स्टार्स खत्म भी तो नहीं हो रहे हैं, मुझे लगा था कि खत्म हो जाएंगे, बट नहीं यार गाइस, ये 4 स्टार्स इतना जल्दी खत्म नहीं होंगे। और अभी मुझे भाई साहब गाड़ी चाहिए होगी, लिटरली मैं यार गाइस गाड़ी चाहिए होगी। और कोई देख रहा है क्या? नहीं, वैसे कोई देख तो नहीं रहा मुझे, तो फिर ये 4 स्टार्स खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? 1 मिनट हो गए यार गाइस, 4 स्टार्स खत्म हो गए हैं। इसका मतलब ये कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और लेस्टर पता नहीं किधर है। लेस्टर आ जाओ। आ रहा हूँ अमिटी, वो दूसरे माउंटेन के ऊपर हूँ मैं। जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से लेस्टर, बच गए हम लोग। अभी देखो अमिटी, मेरा काम खत्म हो गया, अभी जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। ठीक है लेस्टर, अभी जो भी करना होगा मैं खुद ही करूंगा, तुम्हारा काम हो गया है, लेकिन मुझे घर कौन ड्रॉप करेगा? लेस्टर मेरे साथ रहोगे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहोगे। एक काम करो कि टैक्सी पकड़ के निकलो घर। अच्छा चलो ठीक है, निकल जाऊंगा मैं। और मुझे भी अपने ये वाले कपड़े चेंज करने हैं यार गाइस, ये कपड़े बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर इन कपड़ों में मुझे किसी ने भी देख लिया ना, इवन कि किसी नॉर्मल सिविलियन ने भी देख लिया ना, तो फिर वो उसी ही समय पुलिस को कॉल कर देगा। मुझे अभी निकलना होगा जल्दी जल्दी जल्दी। स्विमिंग तो मैं काफी ज्यादा स्पीड से कर रहा हूं, और मुझे पता है कि जैसे यहां से बाहर निकलूंगा कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, बट उससे पहले मुझे ये वाली शर्ट तो उतारनी है। हाँ यार गाइस, जल्दी से ये वाली शर्ट उतारता हूं। और अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, लेट्स गो, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे भाई साहब दोबारा से चोट लग गई, लेकिन दिक्कत नहीं है यार गाइस, अभी हम लोग यहाँ से तो ऊपर जा ही सकते हैं। कैसे जाऊं यहाँ से रास्ता है, मुझे लगता है कि यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ। छोटा सा माउंटेन है यार गाइस, बट स्विमिंग करके स्टेमिना पूरा खत्म हो गया है, और ऊपर जाने में अभी दिक्कत हो रही है। बट यार गाइस फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, अभी बस गाड़ी मिल जाए यार गाइस। ये रही, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे, और मैं गाड़ी को ढूंढ रहा था ट्रॉली में यार गाइस। आज तो मजा आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ से अंदर जाऊंगा कैसे? ये वाली फेंस तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। आरपीजी है मेरे पास यार गाइस, आरपीजी से मेरे ख्याल से ये फेंस टूट जाएगी, लेकिन अगर मैंने आरपीजी फायर किया तो फिर उसके बाद पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। ये क्या चीज है? कंटेनर्स है, लेकिन साथ में फेंसेस भी लगी हुई है। अंदर किस तरह जाऊं? गाड़ी तो मैं चुरा लूंगा, लेकिन अंदर भी तो जाना पड़ेगा ना उसके लिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता किधर से है इसका? कहीं ऐसा ना हो कि इसका रास्ता अंदर से हो, और वैसे भी बाहर तो हाईवे है ना, हाईवे से तो गाड़ी मिल जाएगी मुझे। बट यार गाइस अंदर जाने का कोई भी चांस नहीं है, लिटरली मैं अंदर जाने का तो कोई भी चांस दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, इसलिए अभी बाहर रोड से ही कोई ना कोई गाड़ी पकड़ के जाना होगा। लेट्स गो यार गाइस, यहाँ से ऊपर चलते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाए ना, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके बाद ये जो ब्लू वाली आ रही है ये भी अच्छी नहीं है, बट ये ब्लैक वाली ठीक है। हाँ यार गाइस, ये एटलीस्ट 4x4 तो है ना, ये ठीक रहेगी, और इसलिए अभी जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से यार गाइस। काफी ज्यादा खतरनाक सीन हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं बच गया हूँ। ये किसकी कॉल आ रही है? पहले कभी ये नंबर देखा नहीं है। मुझे पकड़ने की तुमने बहुत ज्यादा कोशिश की आमेटी, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन तुम मुझसे बचोगे नहीं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले तुम मुझे ढूंढ तो लो आमेटी, उसके बाद मुझे मारने की बात करना। तुम मुझे बताओगे तुम अभी किधर हो? अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी हिम्मत है ना, उसके बाद तुम मेरे सामने आओ। ये पुलिस को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? ठीक है आमेटी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम मुझे मार सकते हो, तो ठीक है, एक काम करो कि मेरी बताई हुई लोकेशन पर आ जाओ, उसके बाद मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। ठीक है, एक काम करो कि तुम मुझे लोकेशन भेजो ना जरा अपनी, उसके बाद मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। और एक बात याद रहे, आज अगर तुम मेरे सामने आ गए ना, उसके बाद मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो, और मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ सीधा गोली मारूंगा तुम्हारे सर पे। पहले तुम मेरे पास आओ तो सही आमेटी, उसके बाद देखते हैं कि कौन किसके सर पे गोली मारता है। ठीक है आ रहा हूँ, लोकेशन भेजो मुझे। लोकेशन मैंने तुम्हें तुम्हारे मोबाइल पे भेज दिया।
हामिटी जरा आओ तो सही, देखता हूँ कि कितना दम है तुम्हारे अंदर। ठीक है एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ मैं, उसके बाद मैं करता हूँ तुम्हारा बंदोबस्त ठीक से। ठीक है हामिटी, वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। गया भाई साहब, आज ये गया, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ये मुझसे बचेगा नहीं और रॉकेट बना के जाऊंगा गाड़ी को। इतने दिनों के बाद ये मुझे मिला यार, गाइस आज तो ये मुझसे बचने वाला है ही नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए इसका आखिरी दिन होगा यार गाइस, ये इसका आखिरी दिन है, इतना मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये इसका आखिरी दिन है। और चलो 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 ऊपर चलो ना, ये क्या चीज है यार गाइस, ये गाड़ी या फिर क्या चीज है, निकलो ना पे, जाओ ऊपर की तरफ, टाइम नहीं है यार गाइस, अभी इस वाली गाड़ी को बाहर निकालने का टाइम नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ना कि मेरे भाई का माइंड चेंज हो जाए, इसलिए ये ट्रक नहीं भाई साहब, ये तो 10 घंटे लगा देगा। ये एक ऑफ रोडिंग व्हीकल आ रही है और नहीं भाई साहब, ये तो वो पहले वाली है, ये नहीं चाहिए हम लोग को, ये किसी काम की नहीं है। उसके बाद ये वाली गाड़ी भी नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो फिर कौन सी चाहिए, ये वाली गाड़ी भी वही है पहले वाली, ये अच्छी थी यार गाइस, ये निकल गई गाड़ी हाथ से और बे भाई साहब कुछ ज्यादा ही जोर की मार दी इसने, लेकिन दिक्कत नहीं है यार गाइस, मैं जिंदा हूँ और ये हमर मिल गया हम लोग को, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अबे देखो तो सही ना कि तुम्हारे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, समझ में नहीं आती है इन लोग को बात यार गाइस, गाड़ी चाहिए मुझे, चलो जल्दी से निकलो यहाँ से, नहीं बचेगा ये आज मेरा भाई मेरे हाथ से नहीं बचेगा, लेट्स गो भाई साहब, टर्बो निकाल के जाऊंगा, मगर एक मिनट लगता है कि उस बंदे की वाइफ अभी तक गाड़ी के अंदर ही है, जल्दी से गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, उतरो मैडम जल्दी से उतरो, तुम्हारे लिए गाड़ी को वापस लेकर आया हूँ मैं, लेट्स गो यार गाइस, ये तो उतर गई, अभी मेरा भाई नहीं बचेगा, और उसको मारने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, बस यार गाइस अभी यहाँ से बारी है टर्बो निकालने की, लोकेशन इसने मुझे भेजी है बिल्कुल सामने की यार गाइस, वो जो माउंट चिल्यार्ड के नीचे जगह है ना, वहाँ की लोकेशन भेजी है इसने मुझे, और मुझे पता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए मेरे पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा डेडली प्लान है, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए ये मुझसे बचने वाला है ही नहीं। यहाँ की इसने मुझे लोकेशन भेजी है, जो ऊपर वाला माउंटेन है ना इसकी इसने मुझे लोकेशन भेजी है, इसका मतलब यह है कि ये इधर ही है यार गाइस, आज ये मुझसे बचेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसको मारना होगा, लेट्स गो, गाड़ी को कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हम लोग कर लेंगे। और पहुंच गया हूँ माउंटेन की टॉप पर, मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ से जो नीचे जगह है ना उसकी मुझे लोकेशन बताई थी इसने, अभी गाड़ी को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ और बस, बल्कि नहीं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा, और यहाँ पे अभी मुझे अपनी गाड़ी को पार्क करना है, एक मिनट कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे गिर जाए, बस यार गाइस ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी टाइम आ चुका है अपनी स्नाइपर निकालने का, फाइनली यार गाइस स्नाइपर तो मेरे पास आ गई है, और इसने मुझे लोकेशन इधर की बताई थी, मुझे पता है कि स्नाइपर तो इसके पास भी होगी यार गाइस, ये है तो काफी ज्यादा स्मार्ट। और ये क्या चीज है, एक मिनट, ये रहा यार गाइस, यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके पास माउंटेन लॉयन आ रहा है, पता नहीं यार गाइस मुझे लगता है कि माउंटेन लॉयन को तो ये मार ही देगा, इतना तो मैं इसको जानता हूँ। अबे भाई साहब मार दिया क्या, लगता है कि पीछे एक और माउंटेन लॉयन भी आ रहा है और ये खड़ा हुआ है मेरा भाई, ये जीप क्या कर रही है इसके पास, एक मिनट, मिलिट्री की जीप लेकर आया है, और अभी मेरी गन के आगे सप्रेसर तो लगा हुआ है, माउंटेन लॉयन को शूट करके देखता हूँ यार गाइस, ये गया, इसका मतलब ये है कि मेरा भाई भी नहीं बचेगा, 3-2-1 लेट्स गो यार गाइस, सीधा हेडशॉट मारा है मैंने इसको, डिस्टेंस आप लोग को दिख रहा होगा कि यार गाइस कितना ज्यादा दूर खड़ा हुआ था, लेकिन वो क्या है ना कि अपना एंगल भी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा था यार गाइस, लेकिन स्नाइपर का हेडशॉट जिसको भी लगता है ना वो बचता नहीं है। अभी मजा आएगा ना, जल्दी से गाड़ी को यहाँ से लेके जाएंगे नीचे वाली साइड पर, एक मिनट थोड़ी सी फंस गई है तो कोई दिक्कत नहीं है यार गाइस, गाड़ी को बाहर भी निकाल सकते हैं, एक दफा बस जाके इसकी डेड बॉडी देख लो ना, उसके बाद सुकून आ जाएगा लिटरली में यार गाइस, मजा ही आ जाएगा उसके बाद। लेकिन ये गाड़ी क्या कर रही है, अभी अगर यहाँ तक इसने मुझे पहुंचा दिया है तो फिर थोड़ा सा और आगे भी पहुंचा दो, लेट्स गो यार गाइस, अभी गाड़ी को यहाँ से रिवर्स करता हूँ, और ये रही इसकी जीप खड़ी हुई है यहाँ पे, और ये जीप तो मिलिट्री की है, हाँ यार गाइस मिलिट्री की जीप है ये, लेकिन मुझे ढूंढना है अपने भाई को, ये रहा यार गाइस यहाँ पे मरा हुआ है, अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझ रहा था, दिल कर रहा है कि इसको एक और गोली मारूं, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले इसकी गाड़ी को थोड़ा सा आगे करते हैं, उसके बाद मैं इसकी डेड बॉडी सही से देखता हूँ यार गाइस, मजा आने वाला है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, अपने सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन को मैंने मार दिया। वैसे यार गाइस मैं ये सब कुछ करना नहीं चाह रहा था, बिलीव मी यार गाइस मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ये सब कुछ करने की, लेकिन वो क्या है ना कि इसने मुझे मजबूर इतना ज्यादा कर दिया था, और
एक मिनट, ये कौन है? ये बाल तो इसके मेरे भाई जैसे हैं और मुझे भी मेरे भाई जैसी हैं, लेकिन ये मुझे मेरा भाई लग नहीं रहा है। एक मिनट, ये कौन है? अबे भाई साहब, किसको मार दिया? थोड़ा सा मुझे इसको आगे करना होगा। लेट्स गो यार गाइस, एक मिनट, मुझे अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है यार गाइस, ये है कौन? मैंने तो उसको सीधा हेडशॉट मारा है। चल ना बे, सीधा हो जा। सीधा नहीं हो रहा है यार गाइस, ये डेड बॉडी है या फिर क्या चीज है? एक मिनट, नहीं, ये मेरा भाई तो नहीं है। इतना तो मुझे पता है कि यार गाइस, ये मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं है। और ये मर चुका है क्या? एक मिनट, सीधा अभी तो नहीं हो रहा ना यार गाइस, कब से इसको सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सीधा नहीं हो रहा। हो गया, सीधा हो गया। और मुझे यहाँ से इसका मुंह दिख रहा है। एक मिनट, ये तो मेरा भाई नहीं है। नहीं, ये मेरा भाई नहीं है। ये कौन है फिर? अबे भाई साहब, ये किसको मार दिया मैंने? मुझे लगा था कि मैंने अपने भाई को मार दिया है, लेकिन ये वो नहीं है यार गाइस, ये कोई और है। इसके बाल उस तरह के हैं और ये भी काला ही है मेरे भाई की तरह, बल्कि मेरी तरह, लेकिन ये वो नहीं है यार गाइस, ये मेरा भाई नहीं है। तो फिर ये है कौन? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार गाइस, यहाँ पे हो क्या रहा है? और ये एकदम से गाड़ियों की आवाजें क्यों आ रही है? अबे एक मिनट, तुम लोग कौन हो? जवाब नहीं दे रहे यार गाइस, ये लोग कौन है और ये कहां से आ गए? अबे तुम कौन हो? नहीं, ये तो सीक्रेट सर्विस वाले हैं। चीफ बताओ कि इस लड़के का क्या कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ कि जिंदा गाड़ देते हैं इसको जमीन के अंदर। एक मिनट, जिंदा क्यों गाड़ देते हैं जमीन के अंदर? ये कौन है? ये बंदा है कौन? तुम लोग जानते हो क्या इसको? लॉस सैंटोस स्पेशल फोर्स के चीफ का भाई है ये, जिसको तूने मार दिया है और आज तू मुझसे बचेगा नहीं। अच्छा, तो ये तुम लोग का भाई है? तूने बिल्कुल ठीक बोला, ये हम लोग का भाई है। क्या करूं, ये कितने सारे मिलिट्री वाले आ चुके हैं यहाँ पर। चीफ, मुझसे गलती हो गई है, ये कोई ना कोई कंफ्यूजन है। अबे तेरा तो मैं वो हाल करूंगा ना कि पूरी जिंदगी तू कंफ्यूज रहेगा। मेरे छोटे भाई को मार दिया तूने। नहीं, मारा नहीं है मैंने, मुझे लगता है कि ये जिंदा है। तुम प्लीज इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, अभी इसी वक्त इसको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा हम लोग को। पहले तो तू चलना हम लोग के प्रिजन के अंदर, उसके बाद हॉस्पिटल भी ले जाएंगे इसको। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है तो फिर यार गाइस, भागो, जल्दी से मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं बोलता हूँ कि चुपचाप रुक जाए इधर ही। ऐसे कैसे रुक जाऊंगा तो फिर तुम लोग मार दोगे मुझे। तुझे क्या लगता है कि लॉस सैंटोस स्पेशल फोर्स से ज्यादा स्पीड है तेरी? अबे भाई साहब आ रहा है यार गाइस, ये मेरे पीछे आ रहा है, मुझे जल्दी से भागना होगा। लेट्स गो। भाई साहब कुछ ज्यादा ही जोर की मार दी। एक मिनट, मारने की क्या जरूरत थी? अभी तो शुरुआत है, तू देख के तेरे साथ मैं करता क्या हूँ। अबे बस कर दे, कितना मारेगा, मर जाऊंगा अगर और मारा तूने मुझे। प्लीज माफ कर दे, मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी किस्मत अच्छी है कि हम लोगों ने अभी तक तुझे जान से नहीं मारा। तो फिर जान से क्यों नहीं मारा? मार दो ना एक ही दफा, जान से मार दो यार गाइस। लिटरली में मेरी शक्ल देखो, मैं आप लोग से पहचाना जा रहा हूँ क्या? इतना मारा है इस पहलवान ने मुझे, इतना मारा है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है यार गाइस, मेरे मुंह का डिजाइन ही बदल दिया है इसने। हम लोग का चीफ अभी हॉस्पिटल में है क्योंकि उसके भाई की सांसें चल रही हैं, लेकिन अगर उसके भाई की सांसें बंद हो गई तो यहाँ पे तेरी सांसें बंद कर दूंगा मैं। बच जाएगा, मुझे पता है कि इसका भाई बच जाएगा यार गाइस, लेकिन कैसे बचेगा? मैंने उसको हेडशॉट मारा था और फिर उसका मुंह सीधा करने के चक्कर में 2-3 गोलियां और भी मार दी थी मैंने। पता नहीं यार गाइस, लेकिन बचने को बच सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि स्पेशल फोर्स के चीफ का भाई बच जाए तो यार गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर इसके चीफ का भाई बचेगा तभी तो मैं बचूंगा यार गाइस, अगर वो नहीं बचेगा तो फिर मैं भी नहीं बचूंगा। एक मिनट रुक जा, कॉल आ रही है चीफ की। अच्छा ठीक है, बताओ। पता नहीं यार गाइस, वो जिंदा होगा या फिर नहीं। क्या बोल रहे हैं चीफ, उसका भाई जिंदा है क्या? कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा ट्राई करता हूँ और तू प्रार्थना करके बच जाए। वो बच जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसको, कुछ भी नहीं होगा यार गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद हो सकता है कि वो चीफ का भाई बचा है, क्योंकि अगर तो वो नहीं बचा ना, उसके बाद मैं नहीं बचूंगा यार गाइस, ये लोग मुझे मार देंगे। मेरे मुंह की कंडीशन तो आप लोग को दिख रही होगी यार गाइस, मैं कहीं से लग रहा हूँ कि मैं हूँ, लिटरली मैं यार गाइस, काफी ज्यादा अजीब सा बना दिया इन लोगों ने मुझे। नहीं बचूंगा। क्या बोल रहा है चीफ, उसका भाई जिंदा है क्या? हम लोग के चीफ का नंबर ऑफ है, मुझे हॉस्पिटल जाके खुद ही पता करना होगा। हाँ ठीक है, मैं भी साथ में चलूँ क्या? चुपचाप बैठा रहा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ यार गाइस, अभी पता नहीं इसका भाई बचेगा या फिर नहीं, बल्कि इसका नहीं,
के चीफ का भाई यार, गाइस पता नहीं बचेगा या फिर नहीं। अगर तो वो बच गया तो फिर मैं भी बच जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ किसने किया है, लिटरली में यार गाइस ये सब कुछ मेरे भाई ने किया है और ये मुझसे बचेगा नहीं। पार्टनर एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, चीफ का भाई अभी इस दुनिया में नहीं रहा। एक मिनट, ये तो मेरे भाई की आवाज है, और ये क्या कर रहे हो, ये मिलिट्री कब से ज्वाइन किया तुमने? क्या बोलते हो पार्टनर, ठोक दूं क्या इसको? हम लोग का चीफ का भाई क्या सचमुच में मर गया क्या? तुमने बिल्कुल ठीक बोला, हम लोग के चीफ का भाई हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है और ये सब कुछ हुआ है इसकी वजह से। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरा भाई है, ये भाई है मेरा, ये इसी ने किया सब कुछ। क्या बोलते हो पार्टनर, खत्म कर दूं क्या इसको? बहुत ज्यादा जमान चल रही है इसकी कमांडर साहब, मैं तो बोलता हूँ कि खत्म कर दो इसको। हैं, ये क्या बोल रहे हो, ये मेरा भाई, ये स्पेशल फोर्स का कमांडर है क्या? हम लोग के चीफ के भाई को मार के इसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया पार्टनर, तुम मुंह उधर करो, मैं अभी इसी वक्त इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। अबे टकले, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मेरा भाई है, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, तुम लोगों ने इसको स्पेशल फोर्स में ज्वाइन क्यों किया है? अबे ये हम लोग के स्पेशल फोर्स का कमांडर है और तूने चीफ के भाई को मार दिया, अभी तो तू बचेगा नहीं। देख भाई, अगर तेरे अंदर जरा सी भी हिम्मत है ना तो फिर बंदूक नीचे फेंक, हम लोग अभी इसी वक्त फाइट करते हैं और फिर देखते हैं कि किसमें कितना दम है। एक बात हमेशा याद रखना हामिटी, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और आज इसी वक्त मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और तू कुछ कर भी नहीं पाएगा। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो चीफ का भाई जिंदा है, तुम लोग दोबारा पता करो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब कमांडर साहब ने बोल दिया मर गया तो फिर इसका मतलब ये है ना कि वो मर गया है। नहीं 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 नहीं, वो जिंदा है, प्लीज गोली मत चलाना, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बाहर निकल के मुझसे फाइट करो। मेरा चैप्टर क्लोज करने के लिए निकला था ना तू हामिटी, आज तेरा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए मैं क्लोज करूंगा। अभी तो यार गाइस मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही बचा सकते हो, लिटरली में यार गाइस कोई भी उम्मीद दूर दूर तक दिख नहीं रही है बचने की, और मेरा भाई स्पेशल फोर्स का कमांडर बन गया है, नहीं बचूंगा यार गाइस, इससे तो अच्छा है कि मैं उसी टाइम मर ही जाता। लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है यार गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल वाले नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर देना यार गाइस। मैं आप लोग से मिलता हूं कल एक और गेम प्ले के अंदर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।